जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स में विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग विद्युत धारा, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की पूरी जानकारी ले चुके हैं। उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम लोग ऊष्मीय प्रभाव के बारे में सीखने वाले हैं। ऊष्मीय प्रभाव क्या चीज़ होता है? कि कोई भी चालक है, उसका गर्म हो जाना। तो इसके बारे में थोड़ा सा बाद में सीखेंगे। हम लोग समझते हैं कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा कि विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे ये कोई एक चालक तार है, इसकी एक सिरा ए मान लेते हैं, इसका दूसरा सिरा बी मान लेते हैं। तो इस चालक में यदि आवेश प्रवाह होने में जितना ऊर्जा खत्म होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। कोई भी काम करने में ऊर्जा व्यय होती है। कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक तभी जा रही होगी जब उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होगा, ऊर्जा क्षय कर रहा होगा। समझा गया कि नहीं? तो वैसे ही इसमें यदि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च होगी, जिसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समझाया? चलिए, तो एक बार और समझ लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह होने में जो ऊर्जा व्यय होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। माना ए बी एक चालक है, यदि चालकों के सिरों के बीच का विभवांतर भी है, तो क्यू कूलाम आवेश को ए से बी तक जाने में कितना विद्युत ऊर्जा खत्म करेगी? ठीक है, तो यदि सिरों के बीच का विभवांतर, भी हो, तो क्यू कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, या क्यू कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में, इसको जाने में जो कार्य किया जाएगा, कार्य ही ऊर्जा होता है। तो किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू होगा। W बराबर का होगा V इंटू क्यू। यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी हो, तो Q कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में किया गया कार्य W बराबर V इंटू क्यू। इतना बात समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है। विद्युत ऊर्जा किसी चालक में आवेश प्रवाह होने में जो ऊर्जा व्यय होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यदि सिरों के बीच का विभवांतर भी हो, तो Q कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में किया गया कार्य W बराबर V इंटू क्यू। यही कार्य ऊर्जा होता है। तो इसको बोलेंगे कि W बराबर V इंटू क्यू, ये इतना ऊर्जा खर्च कर रहा है। समझ में आ रहा है कि ना? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो ऊर्जा का भी मात्रक क्या होगा? जूल होगा। क्लियर? ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि एक जूल किसे कहते हैं। एक जूल से आप क्या समझते हैं? एक जूल की विद्युत ऊर्जा कब खर्च होगी? तो यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर एक वोल्ट और एक कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में एक जूल की ऊर्जा व्यय होगी। यदि विभवांतर एक वोल्ट, तो एक कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में कितना ऊर्जा व्यय? तो W बराबर V इंटू क्यू होगा। तो W बराबर एक कूलाम आवेश और वोल्ट, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी एक वोल्ट है, तो W बराबर एक जूल की ऊर्जा व्यय होगी।
यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1 जूल की ऊर्जा व्यय होगी। यहाँ एक एक रख देंगे तो दोनों का मान गुणा होकर 1 हो जाएगा, तो इसका मात्रक जूल हो ही करता है, तो 1 जूल की ऊर्जा व्यय होगी। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि 1 जूल किसे कहते हैं, कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो 1 कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में 1 जूल की ऊर्जा व्यय होगी। समझा गया? समझते हैं कि डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू, ऊर्जा के कुछ और सूत्र होते हैं विद्युत ऊर्जा के, जो उनको अभी समझते हैं। देखिए इतना तो पता हो गया कि W बराबर V इंटू क्यू, V है दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, Q है आवेश जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे ओम का नियम और धारा का सूत्र पढ़े थे, ओम का नियम V बराबर I इंटू R, और एक और सूत्र पढ़े थे I बराबर Q बाई टी। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर ये दोनों फॉर्मूला यदि आपको याद है तो इन और सूत्रों को इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे W बराबर V की जगह पर यदि कुछ रखना चाहें तो हम रख सकते हैं IR, क्या रख सकते हैं IR, और यदि हम लोग Q की जगह स्थान पर यदि रखना चाहें तो Q बराबर बनाएंगे यहाँ से तो IT हो जाएगा। Q बराबर क्या बन जाएगा? IT, इसका इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग Q की जगह पर IT रखने वाले हैं, तो W बराबर V इंटू Q की जगह पर IT। ठीक है, जहाँ Q बराबर IT होता है धारा के सूत्र से। समझ में आ गया कि ना? तो ये जो सूत्र निकल के आया है ये कैसा सूत्र है? विभवांतर और धारा में, विभवांतर और धारा के संबंध में इसका जो विद्युत ऊर्जा है। समझ आ गया कि ना? विभवांतर और धारा के रूप में, विभवांतर और धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा, विभवांतर और धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा, विभवांतर और धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा क्या होगा? W बराबर वी आई टी। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। क्लियर? ठीक, यदि हम लोग इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो वी बराबर आई आर रख सकते हैं, इसके जगह पर वी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ से आई आर रख सकते हैं, तो W बराबर V की जगह पर I इंटू आर, और यहाँ पहले ही से है I इंटू टी, तो W बराबर I का I में गुणा हो जाएगा, तो I स्क्वायर आर टी। समीकरण नंबर इसको क्या बना लेंगे? 2 बना लेंगे। कैसे हुआ ही? ये V की जगह पर V बराबर I इंटू आर रख दिए, तो V बराबर I आर रखने पर I स्क्वायर आर टी बन गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। क्लियर? अब ये जो फॉर्मूला निकला है किसके रूप में निकला है? धारा और प्रतिरोध के रूप में, तो यहाँ लिख लेंगे धारा और प्रतिरोध के रूप में विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, और इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे अब रख सकते हैं I के स्थान पर Q बाई टी रख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे W बराबर I के स्थान पर Q बाई टी रखेंगे, तो यहाँ I का स्क्वायर है तो यहाँ Q बाई टी का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा Q का स्क्वायर बटा में T का स्क्वायर। ये भी रख सकते हैं, यहाँ से एक और फॉर्मूला रख सकते हैं, यहाँ से यदि I का मान निकालें, यहाँ से I का मान निकालें तो I बराबर V अपान R रख सकते हैं, I बराबर V अपान R, तो यहाँ I की जगह पर भी बटे में आर रख सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो वी का स्क्वायर और नीचे आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। क्लियर? एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर बटे में आर, यहाँ इंटू वी स्क्वायर इंटू टी बटा में आर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। ठीक है, और ये जो सूत्र निकल के आ रहा है विभवांतर और प्रतिरोध के रूप में, विभवांतर और प्रतिरोध के रूप में, विभवांतर और प्रतिरोध के रूप में विद्युत ऊर्जा, विभवांतर एवं प्रतिरोध के रूप में विद्युत ऊर्जा। इतना बात क्लियर हो गई होगी आपको कि कितने फार्मूले निकल के आ रहे हैं। ये एक तो ये फार्मूला हो गया W बराबर V इंटू क्यू, एक फार्मूला ये हो गया कि W बराबर V आई टी,
और एक फार्मूला ये है डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, और एक ये हो गया चार फार्मूला है डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर टी बटे में आर। इतना बात आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि विभवांतर और धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा कैसे निकाला जाएगा। धारा और प्रतिरोध के रूप में भी अगर पूछेगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, विभवांतर और प्रतिरोध के रूप में पूछेगा तो कैसे लगाएंगे, बस आप दो फार्मूला याद रखिए, वी बराबर आई आर और आई बराबर क्यू बाई टी या क्यू बराबर आई टी। इन दो फार्मूला को यदि आप याद रखेंगे इन सारे फार्मूलों को बना ले जाएंगे। चलिए अब हम लोग कुछ और आगे समझते हैं। समीकरण एक दो तीन से यदि हम लोग देखें तो क्या कर पाएंगे, एक दो तीन से यहाँ यदि समीकरण एक दो तीन से ध्यान से देखें तो यहाँ से W बराबर वी क्यू, यहाँ W बराबर वी आई टी, यहाँ W बराबर आई स्क्वायर आर टी, यहाँ तो इसको यदि इसको भी जोड़ लिया जाए इस समीकरण में तो W बराबर वी क्यू बराबर वी आई टी बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी बराबर बनेगा वी स्क्वायर आर, यहाँ पे टी हो जाएगा। ये एक फार्मूला बन जाएगा एक ही रूप का, समझ आ गया कि ना, इतना बात क्लियर हो गई। एक और ऊर्जा के बारे में सीखते हैं, ऊर्जा का एक और मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको आप समझते हैं इलेक्ट्रॉन बोल्ट से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या चीज होता है। इलेक्ट्रॉन बोल्ट, इलेक्ट्रॉन बोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन बोल्ट। सुनिए इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या चीज होता है, जैसे विद्युत ऊर्जा क्या थी कि किसी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्यू कूलम को आवेश को ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती थी उसे विद्युत ऊर्जा कहते थे। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को किसी चालक में एक प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। किसी चालक में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने में जितना ऊर्जा व्यय होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, यदि है कोई चालक है यहाँ से यदि एक इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाए तो जो ऊर्जा व्यय होगी उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इनके चालक के तारों के सिरों के बीच का विभवांतर भी हो, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर भी हो तो एक इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, किसी चालक में सिरों के बीच का विभवांतर यदि एक वोल्ट हो, विभवांतर कितना वोल्ट हो, एक वोल्ट हो, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा व्यय होगी। तो इसके फॉर्मूला की बात करें तो W बराबर V इंटू क्यू हुई व्यय करता है, यहाँ Q की जगह पर एक इलेक्ट्रॉन है तो W बराबर यहाँ E रख देंगे, E इंटू V, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, तो किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर यदि एक वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या चीज होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 जूल ऊर्जा होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी समझ गए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर भी है तो एक इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर एक वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा व्यय होगी। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो बार बार धारा प्रवाहित करेंगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन बार बार किसी चालक तार में गति करेगा तो गतिज ऊर्जा उसकी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने लगती है।
तो इस कारण जो चालक होता है वो गर्म हो जाता है। समझा गया कि नहीं? अब हम लोग समझते हैं कि जो विद्युत ऊष्मा होती है या विद्युत की जो हीट होता है वो कैसे मापा जाता है। तो इसकी जो मापन होता है वो कैलोरी में किया जाता है। किस में किया जाता है? कैलोरी में। और विद्युत ऊर्जा की माप जो होता है वो जूल में किया जाता है। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि माना यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर V है और इसमें आई एम्पियर की धारा टी सेकेंड तक प्रवाहित है, तो इस चालक से या इस चालक में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी? तो W बराबर वी आई टी, यही ना खर्च होगी? W बराबर वी आई टी ऊर्जा खर्च होगी। यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर यदि V है, आई एम्पियर की धारा यदि टी सेकेंड तक इसमें प्रवाहित है, तो कितनी ऊर्जा खत्म होगी? W बराबर वी आई टी। क्लियर? जो ऊष्मा होता है उसका जो मापन किया जाता है वो कैलोरी में किया जाता है, और एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो एक जूल की यदि बात करें, एक जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। एक जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। जूल जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। तो यहां से यदि बात करें, इसकी यदि बात करें तो हम लोग जो इसकी जो ऊर्जा होती है वो सीधे सीधे ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज हो जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है। जो विद्युत ऊर्जा होती है वो किस में बदल जाती है? ऊष्मा में। तो ऊष्मा को ये एच से व्यक्त करते हैं। किस से व्यक्त करते हैं? एच से। और एच बराबर ये जो हीट होता है इसको कैलोरी में मापेंगे, तो कैलोरी में ऊर्जा को 1/4.2 लिखेंगे। तो जितने भी ऊर्जा के मात्रक होते हैं, जितने भी सूत्र होते हैं, उसमें 4.2 से भाग देकर कैलोरी में बदला जा सकता है। ठीक है, तो वी आई टी ये जूल में है, जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा फार्मूला ऊष्मा का। ठीक है, और एक फार्मूले होते हैं, वी स्क्वायर बटे में आर इंटू टी। अब इसमें भी 4.2 से यदि भाग दे देंगे तो ये भी किस में बदल जाएगा? कैलोरी में। ये सब किस में बदल रहे हैं? कैलोरी में। ठीक है, अब समझिए, एक और फॉर्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, और इसमें भी 4.2 से भाग दे देंगे तो ये भी किस में बदल जाएगा? कैलोरी में। किस में बदलेगा? कैलोरी में। क्लियर? अब इस फॉर्मूला से क्या समझ में आ रहा है कि जो ऊष्मा होती है वो विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब कि H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। चालक की जो ऊष्मा होती है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसी फार्मूला में यदि बात करें, जो हीट है ऊष्मा है वो रेजिस्टेंस के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध के भी। तो एच इज प्रोपोर्शनल टू आर, विद्युत के प्रतिरोध और उसमें जो ऊष्मा है प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यदि किसी चालक तार का जितना भी प्रतिरोध अधिक होगा उसमें ऊष्मा उतना ही अधिक होगा। जैसे हीटर है, हीटर की जो तार लगाए जाते हैं उसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए वो क्या होने लग जाता है, उसमें से ऊष्मा अधिक निकलता है। तो जिस चालक का जितना ही प्रतिरोध अधिक होगा उसमें ऊष्मा उतना ही अधिक होगी। जिस चालक में से जितना ही तेजी से धारा गुजारेंगे उसका जो उसमें ऊष्मा उतना ही बढ़ेगा। जितना धारा अधिक भेजेंगे उतना ही उसमें ऊष्मा अधिक होगा। जितने रेजिस्टेंस उसका अधिक होगा उतना ही उसकी ऊष्मा अधिक होगी। जितने समय बढ़ा देंगे, जितना टाइम बढ़ाएंगे उतना ही ऊष्मा बढ़ेगा। जो हीटर वूटर होते हैं अधिक देर तक रखेंगे यदि लाइट में लगाकर तो वो अधिक गर्म होगा, कम समय तक रखेंगे तो कम गर्म होगा। समझा गया कि ना? इन तीनों नियम को जूल का तापीय नियम कहते हैं। इन तीनों नियम को जूल का तापीय नियम कहते हैं। इन तीनों नियम को जूल का तापीय नियम कहते हैं। इसमें कोई डिफिकल्ट वाली चीज़ नहीं है। तो जितना भी ऊर्जा वाला जो फार्मूला था उसमें 4.2 से भाग दे देंगे तो ये सब हीट के फार्मूला बन जाएंगे। मतलब इन सब का माप अब 4 कैलोरी में करने लग जाएंगे। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और हम लोग आगे समझते हैं, ऊष्मा पर आधारित कुछ उपकरण है जिनको बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। जैसे विद्युत बल्ब है। विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा दोनों में चेंज करता है, तो बल्ब के बारे में सीखेंगे। हीटर क्या होता है कि हीटर विद्युत ऊर्जा को वो हीट ऊर्जा में चेंज करता है, मतलब गर्म करता है, तो हीटर के बारे में सीखेंगे। चलिए एक एक करके सीखते हैं इन
दोनों उपकरणों को के बारे में, जो प्रेस होता है प्रेस आयरन इस्त्री, ये भी एक विद्युत ऊष्मा का ही एक एग्जाम्पल है कि जो विद्युत ऊर्जा को सीधे ऊष्मा में चेंज करता है। चलिए विद्युत बल्ब के बारे में हम लोग सीखते हैं। चित्र में ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है जिसको कांच के खोखले गोले पर बनाया जाता है, खोखला गोला के अंदर। ये इसका एल्यूमिनियम की एक टोपी है, ये टांके लगे हुए हैं जस्ते के, और इसमें दो पिन होते हैं, ठीक है। और ये इसका तंतु होता है जो जलता है, क्लियर। ये एक नली होता है जिसमें से एक दो तार यहाँ निकले हुए होते हैं, ये दोनों तार आकर इस टांके में जुड़ जाते हैं, जिनमें विद्युत प्रवाहित करने पर ये जलने लग जाता है। समझा गया कि नहीं? ठीक है। विद्युत बल्ब ऊष्मा पर आधारित एक उपकरण है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इसके तंतु जो होते हैं 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के बाद ये चमकने लगते हैं, क्योंकि इनके जो प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होता है, टंगस्टन का बनाया होता है, जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। जो टंगस्टन होता है इसका बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध अधिक होने के कारण ये चमकने लगता है जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो अधिक क्षमता के जो बल्ब होते हैं इनके अंदर निर्वात कर दिया जाता है, निर्वात का मतलब कोई भी गैस इसमें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गैस यदि होगी तो ये इससे क्रिया करके इनको पिघला देगी, आक्सीकृत कर देगी, इसको वाष्प में बदल देगी, ठीक है। जो वाष्प में बदलेगी, जो इनके जो धुएँ होते हैं इनके दीवारों पर चिपक जाते हैं, जिस कारण इन प्रकाश आना बंद हो जाता है, ठीक है। वो सफ़ेद सफ़ेद सा चिपक जाता है उसके अंदर का, ठीक। तो उच्च जो शक्ति के जो बल्ब होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है, ये दोनों अक्रिय गैसें हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती, ठीक है। गैस भरने की वजह से इनकी जो समय की समय सीमा होती है वो बढ़ जाती है, अधिक समय तक ये टिकाऊ होते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई होगी कि बल्ब क्या चीज़ होता है। चित्र में एक विद्युत हीटर है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, विद्युत को किस में बदलता है, ऊष्मा में। ये इसमें क्या होता है कि एक चीनी मिट्टी की प्लेट होती है जिसके ऊपर हम लोग नाइक्रोम के तार को लपेट देते हैं। नाइक्रोम का जो तार होता है ये एक मिश्र धातु होता है, ये निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है, ठीक है। इनका जो प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होता है, जिस कारण इसमें धारा प्रवाहित करने पर ये लाल चमकने लगते हैं, ठीक है। जब ये चमकने लगते हैं तो इसमें से विद्युत, इसमें से ऊष्मा निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से हम लोग जो चीज़ गर्म करना चाहें इस पर रखकर गर्म कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, या इसको रूम हीटर के रूप में यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ से ऊष्मा निकलने लग जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चीनी मिट्टी की एक इसके नीचे प्लेट होती है, इसके ऊपर जो तपक तार होते हैं, जो तार चमकेंगे नाइक्रोम के, इसको लगा दिया जाता है, ठीक है। इसके दो यहाँ पे पिन होते हैं, इनमें विद्युत को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण ये चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चीनी मिट्टी का प्रयोग इसमें इसलिए किया जाता है क्योंकि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, और इसमें और ऊष्मा के भी कुचालक होते हैं, कि इसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित नहीं होती है, मतलब इसको टच दूर तक करेंगे तो मतलब करंट ना लगे, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है चीनी मिट्टी का। तार को सीधा न रखकर सर्पिलाकार बना दिया जाता है, इसमें जो तार लगाए जाते हैं इसको सीधा न रखकर सर्पिलाकार इसे राउंड राउंड किया जाता है, जिससे तार की जो तार अधिक दूरी तक, इसमें बड़ा बड़ा तार भी इसमें राउंड राउंड करके लगाया जा सके, जिससे अधिक होने की वजह से इसमें ऊष्मा अधिक बढ़ जा सके, इसलिए इसको राउंड राउंड किया जा सकता है, ठीक है। अब जितने घन करेंगे इसको, जितने पास पास लगाएंगे उतने इसमें से ऊष्मा अधिक निकलेगी, इसलिए इसको सर्पिलाकार रूप में रखा जाता है। जो हीटर होता है इसका जो तापमान होता है 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसको एक लोहे के एक केस में रख दिया जाता है, जिससे उस पर सीधे कोई बर्तन या कोई चीज़ रखने से विद्युत के कनेक्ट में न आ सके, इसलिए इसको एक केस में रख दिया जाता है, जिससे चोट या किसी को कोई हानि न पहुंचे। आप लोग समझ गए होंगे कि विद्युत हीटर क्या होता है। अब हम विद्युत सामर्थ्य क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं। तो किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को, किसी परिपथ में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है प्रति सेकेंड, इसको कहते हैं विद्युत शक्ति, और विद्युत शक्ति को पी से व्यक्त करते हैं। तो विद्युत शक्ति बराबर, विद्युत शक्ति यानी विद्युत सामर्थ्य बराबर व्यय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा कितने समय में ये ऊर्जा खर्च हो रही है इसको कहते हैं विद्युत शक्ति। किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को P से व्यक्त करते हैं, ऊर्जा को W से बटा में T, तो P बराबर W अपान T हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा के बहुत सारे फार्मूला पढ़े हुए हैं, कि W बराबर VIT,
आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर टी अपन आर, तो इन सबको रख रख के यहाँ पे निकालेंगे। तो P बराबर W की जगह पर रखेंगे वी W बराबर वी आई टी, क्या रखेंगे वी आई टी अपन टी, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर वी आई। ये जो फॉर्मूला निकला है ये विभवांतर और धारा के रूप में, विभवांतर और धारा के रूप में यदि विद्युत शक्ति पूछेगा तो P बराबर वी आई। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है यहाँ से यदि निकालें तो जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। इस जूल प्रति सेकेंड को वाट भी कहते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है या जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं P बराबर वी आई को। तो P बराबर अब डब्ल्यू की जगह पर हम लोग लिखेंगे आई स्क्वायर आर टी, और नीचे T है ये, तो इससे ये खत्म हो गया, तो P बराबर आई स्क्वायर आर हो जाएगा। एक और ये फार्मूला बन गया, एक और फार्मूला बनेगा इसका P बराबर वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी, इसके बटा में टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो पी बराबर वी स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को विद्युत शक्ति समझ में आ गया होगा कि विद्युत ऊर्जा व्यय होने की जो दर कहते हैं उसको विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। तो P बराबर W अपन T और P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर वी स्क्वायर अपन आर। ये होता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है या जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा व्यवहारिक रूप से कैसे माप किया जाता है उसका, उसके बारे में। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं कि विद्युत ऊर्जा के कुछ व्यवहारिक, कैसे कैसे विद्युत ऊर्जा को मापते हैं इसके बारे में। विद्युत ऊर्जा के जो मात्रक होते हैं वो वाट होता है या जूल प्रति सेकंड होता है। इसके कुछ बड़े मात्रक होते हैं किलोवाट, मेगावाट। तो एक किलोवाट बराबर, एक किलो वाट बराबर 1000 वाट या 10^3 वाट। एक मेगावाट बराबर 10^6 वाट। इतने बात समझ गए? तो कैसे व्यवहारिक इसके कुछ प्रयोग हैं, जैसे घरों में लगी हुई विद्युत ऊर्जा को कैसे मापते हैं, विद्युत शक्ति को कैसे माप किया जाता है। तो विद्युत शक्ति को किलोवाट में या हम लोग BTU में मापते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसको नॉर्मली भाषा में यदि हम कहें तो यूनिट कहते हैं। किस में मापते हैं विद्युत शक्ति को? यूनिट में। तो यूनिटों की संख्या बराबर सूत्र होता है, यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुड़े घंटा गुड़े दिन बटे में 1000। या इस वाट को P बराबर वी आई, तो इसको लिख सकते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर गुड़े घंटा गुड़े दिन बटा में 1000। ये भी निकलेगा यूनिटों की संख्या। घरों या कंपनियों में लगे हुए विद्युत को किस में मापते हैं? यूनिटों में मापते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं, वाट गुड़े घंटा गुड़े दिन बटा में 1000, या इस वाट को चेंज कर देंगे तो वोल्ट गुड़े एम्पियर घंटा गुड़े दिन बटा में 1000। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर विद्युत धारा का उसमें प्रभाव खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।